हेलो एवरीवन, बीएससी बुक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है आपका धातु लिगेंड आबंध। ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। देखो, इसका जो आपका बेसिक पोर्शन है वो आपका सेकंड ईयर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने इसको पढ़ के आया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आपको तो आपने उसमें वीबीटी लगभग पढ़ ली थी। कुछ कुछ अपन मेन पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और जहां तक मैं हो सकेगा मैं आपको बेसिक पहले क्लियर कर लेता हूँ इसका, क्योंकि आप सेकंड ईयर को आपका साल भर हो गया होगा, भूल भी गए होंगे क्या था इसमें। ठीक है, तो मैं आपको एक बस ट्रेलर बता देता हूँ उसके ऊपर से पिक्चर कि क्या होता है, फिर आपको आगे का पार्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, आपने हालांकि संयोजकता बंध सिद्धांत इसका नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं अपन वीबीटी। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या बताती है। अब देखो, इसमें धातु और लिगेंड बता दिया, मतलब धातु और लिगेंड के बीच में कैसे बॉन्ड हो रहा है, कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कैसी कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ये सब चीज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और केवल दो ही थ्योरियां पढ़ते हैं, देखो सीएफडी और वीबीडी लगभग दो। क्लियर है, तो देख लेते हैं पहले बेसिक क्या बोलना चाह रहा है ये चैप्टर में, अपन को क्या पढ़ना है वो देख लो पहले आप। देखो, आपका चैप्टर का नाम ही क्या है, मेटल लिगेंड आबंध बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड के पास आपके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। आपको पता है लिगेंड क्या होता है, लुइस बेस होता है। तो इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, और मेटल क्या होती है, लुइस एसिड होती है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये चीज तो होगी। अब क्या करता है लिगेंड, क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक बॉन्ड बनाता है इस टाइप के। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, और ये एक टाइप का क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, पर इसमें क्या होता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, ये इसको देता है। तो अपन को इस चीज को पढ़ना है कि जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए अपने और ये जब बॉन्ड बना तो क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, तो उस चीज को अपन पढ़ते हैं। तो वीबीटी अपन को क्या बोलती है, वीबीटी अपन को बोलती है जब लिगेंड मेटल को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो मेटल के पास क्या होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन जितने लिगेंड आएंगे ना उसके पास, उतने क्या होने चाहिए, उसके पास क्या होने चाहिए, खाली कक्षक होने चाहिए। ठीक है, उसके पास खाली कक्षक होने चाहिए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल से क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग करके क्या करना चाहिए, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और जब ये लिगेंड आते हैं ना मेटल के पास, तो ये क्या करते हैं, अपनी आपको एक अच्छी स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर में अपने आपको निरूपित कर लेते हैं, जिनसे क्या होता है, इनको लिगेंड को क्या होता, रिपल्शन कम होता होगा। आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है अपनी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, जिसमें अतिव्यापन वगैरह होता है। तो वीबीटी अपन को इस टाइप से बनाते हैं कि जब लिगेंड आते हैं ना, ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं अपने। ठीक है, अपने आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर में व्यवस्थित कर लेते हैं जिसमें क्या होता है, रिपल्शन कम होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, एक आपको एग्जांपल दूंगा NiCl4 का, कैसे कैसे उसमें क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो वीबीटी का आपका बेसिक क्लियर है, एक एग्जांपल और देख लो आप, फिर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एग्जांपल आपने देखा होगा, आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान ही होगा, बाकी चलो ठीक है, मैं भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको, आप याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Ni क्या होता है, 3D मेटल के बारे में बात करता है, जो भी वीबीटी सीएफटी आती है ना, अपन 3D मेटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3D मेटल कौन कौन से होते हैं, स्काइडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये चीज आती है, ये सीरीज तो आपको याद रखनी है, मुंह जवानी याद होनी चाहिए, कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो कैल्शियम के बाद ही आता है, ये 4s2 से स्टार्ट होता है, फिर 3d1 3d2 ऐसे चलता है 10 तक, जिंक ज्यादा 10 तक। ठीक है, तो निकल आप आता है 28वें नंबर पर, तो 4s2 3d10। ठीक है, ये इसका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहता है। ठीक है, आर्गन के बाद क्या होता है, 4s2 फिर 3d10। क्लियर है ये बात। हाँ, अब देखो क्या होता है, ये NiCN4 और -2 कॉम्प्लेक्स बना, कैसे बना। ठीक है, इसमें क्या क्या घटना है, वो ये अपन वीबीटी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रही है वीबीटी, यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना हुए। ठीक है, वो चीज अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो निकल क्या है, पहले सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखो, ये क्या आता है, 4s2 3d8। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है ना आपको, इसको एक्स मान लो और CN पे चार्ज देखो, CN क्या होता है, CN माइनस की फॉर्म में होता है, मतलब इसके पास क्या हो, -1 चार्ज हुआ। अगर एक पे -1 चार्ज है तो चार पे कितना हुआ, -4 हुआ। और देखो यहाँ पे -2 पहले सीधा, तो -4 वहां पे गया तो प्लस का चार्ज हो गया, प्लस का 2 इसके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन आ गया, मतलब प्लस का 2 मतलब इसने क्या दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, दे चुका है, तो इस पे क्या आ गया, +2 चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब देखो Ni का तो 4s2 3d8 था,
अब जब इसने प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो मतलब क्या होगा, फोरस टू हट गया, मतलब क्या हो जाएगा इसके बाद 3d8 बच जाएगा और ये सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे खाली, s p और d वाले। ठीक है, 3d वाले तो भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें है और बाकी सारे खाली है। ठीक है, अब देखो 3d मेटल, अब जब इसको थी यहां पे ग्राउंड स्टेट पे था, ठीक है, और ये था एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, अब ये था जब ग्राउंड स्टेट पे था तो मतलब क्या, देखो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसमें भर दिए, 4s खाली, 4p खाली, 4d खाली। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसने, अब cn आए, 4 cn आए ना, जब 4 cn आए, अब देखो ये cn जो होता है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये मैं आपको एक सीरीज दे दूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। ठीक है, ये इसके लिगेंड की आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जैसे ICLBR होते हैं, ये क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, H2O वीक फील्ड होता है, CN आता है, CU आता है, NH3 आता है, ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, अगर वीक फील्ड होता ना तो केवल ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता अगर यहाँ पे H2O वगैरह होता, लेकिन यहाँ पे CN है ना तो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ये पेयरिंग कर देता है, अब नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दो क्या होता है, पेयरिंग कर देता है ये, और अगर H2O वगैरह होता तो पेयरिंग नहीं करता ये। ठीक है, तो एक अक्षक तो इसने इसका खाली कर दिया, अब 4 CN है अपने पास, तो अपन को 4 ऑर्बिटल में क्या जाएंगे, CN अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऑर्बिटल में इसने क्या दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, CN 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 CN। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे अपन, देखो यहाँ पे संकरण कैसे निकालेंगे किसी का, अब देखो एक इसका तो डी ऑर्बिटल यूज हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। ठीक है, एक डी ऑर्बिटल इसका हुआ, एक एस ऑर्बिटल इसका हुआ, 2 p ऑर्बिटल यूज हुए, तो DSP2। ठीक है, DSP2 ये क्या हो गया, आंतरिक कक्षा संकुलन बना, आंतरिक कक्षा मतलब एक अंदर वाला कक्षक भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका संकरण क्या हो गया, DSP2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DSP2। अब देखो DSP2 की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर। मैंने आपको बताया क्या करते हैं, अपने आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं इस टाइम पे कि उनके पास लिगेंडों के बीच में क्या हो, रिपल्शन बहुत ज्यादा कम हो। अब देखो इस पोजीशन में क्या है, लिगेंडों का रिपल्शन बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अपने आपको एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेंगे, ये क्लियर है बात। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये थी VBD, अपन को ये बता दें कि इस टाइप से क्या बनता है, एक संकुल बनता है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। आया समझ, VBD का अपन ने केवल मेन पॉइंट पढ़ेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, और मेन पढ़ेंगे आप लिमिटेशन इसकी, VBD ने कमियां क्या रह गई जो CFT को आना पड़ा। ठीक है, क्या क्या वो चीज समझा नहीं पाया, कुछ ऐसे फिनोमिना हो रहे थे जो VBD समझा नहीं पा रही थी, इसलिए फिर CFT को आना पड़ा। अब वो फिनोमिना क्या थे वो चीज देखो, देखो पहले देख लो, ये रटने वाला पोर्शन नहीं है, ये इसमें पूरा कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे तभी आप इसको पढ़ पाओगे आगे, वरना इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, थ्योरी आपको मिली जाएगी वैसे ही PDF में। ठीक है, तो वीडियो से आप केवल कंसेप्ट सीख लो। अब देखो संयोजकता बंध सिद्धांत जो मैंने आपको बेसिक बताया वही था, धातु लिगेंड आमंत्र की प्रकृति का निर्धारण संयोजकता बंध सिद्धांत पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, 2-3 CFT 1 VBT पढ़ते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर धातु लिगेंड के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये अपन को बता दिया इसने, और इस सिद्धांत के आधार पर आयनिक प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जबकि क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर आयनिक प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। ठीक है, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका और ये आप सेकंड ईयर में ही पढ़ चुके, अगर ज्यादा कुछ दिक्कत आया तो आप सेकंड ईयर की बुक उठा के देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, मेन आते हैं इसकी लिमिटेशन, क्या क्या कमियां रहेंगी। ठीक है, मैं आपको केवल पढ़ के बता रहा हूँ, आप देख लेना, मैं समझाता रहूंगा आपको क्या क्या था। देखो संयोजकता बंध सिद्धांत रंग निर्माण की व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब DD ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और रंग छोड़ रहा है वो, तो कैसे छोड़ रहा है वो चीज समझा नहीं पाया। ठीक है, LMCT MLCT बोलते हैं इसको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं, तो वो क्या इसको समझा नहीं पाया, DD संक्रमण को समझा नहीं पाया, मतलब कलर कैसे आ रहा है, एक एटम कलर कैसे छोड़ रहा है वो चीज को समझा नहीं पाया। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के सही मान की व्याख्या नहीं की जा सकती, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट को उसने सही नहीं बताया, कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या आना, सही नहीं आ रहा था। ठीक है, प्रैक्टिकली अलग आ रहा था, थ्योरेटिकली अलग आ रहा था, क्लियर। अब कहता है इसके आधार पर लिगेंड सामर्थ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो है हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लिगेंड को तोड़ रहा है ना, स्प्लिटिंग कर रहा है, वो हायर लेवल पे कर रहा है या लोअर लेवल पे कर रहा है, तो वो चीज समझा नहीं पाया, वो CFT में बताऊंगा आपको, अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का क्या काम है। ठीक है, तो इसके आधार पर लिगेंड सामर्थ्य का निर्धारण नहीं किया जाता, अर्थात लिगेंड के प्रबल तथा दुर्बल का निर्धारण नहीं किया जाता, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब वीक। ठीक है,
संकुल यौगिक दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, बाह्य कक्षा संकुल, आंतरिक कक्षा संकुल। अब क्या ये चीज को समझा नहीं पा रहा था मैंने आपको बोला ना कि अगर 3D का डी मेटल यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन आंतरिक संकुल, इनर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर डी ऑर्बिटल यूज नहीं होता, केवल sp3, मतलब अगर मैं बोलूं dsp2 तो ये हो गया आंतरिक कक्षक संकुल, अगर मैं बोलूं sp3 तो वो हो गया बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि इसमें जो 3 वाला मेटल है ना उसका डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा। अगर डी ऑर्बिटल यूज हुआ तो उसको बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, अगर डी ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। देखो VBT क्या है, उच्च संकरण संकुल तथा निम्न चक्रण संकुल के बारे में नहीं जानकारी नहीं देती, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, CFT में हो गए तो बताता हूं मैं आपको। और देखो इसने क्या बोले, इसके आधार पर युग्मन ऊर्जा मतलब पेयरिंग एनर्जी, इसको लिखते हैं ना पेयरिंग एनर्जी, ऊर्जा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। CONH3 का O3 Na+2 NaCN-2 CONH3 के संकरण की ज्यामिति का सही व्याख्या नहीं की जा सकती, मतलब इसने बिल्कुल सही नहीं बताया कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, ठीक है। तो ये बता ही नहीं पाया कि इनकी है ना ज्यामिति कैसी थी या केस स्क्वायर प्लानर, इसकी अपन ने देखी अभी स्क्वायर प्लानर थी, तो ये चीज ये बता ही नहीं पाया था, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया NaCN4 की अपन ने क्या लिखी, स्क्वायर प्लानर वो होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्यों होती है। अब देखो अगर मैं बोलूं NiNH3 का होल 4+2 है, अब देखो है तो वैसा ही CN के जैसे ही तो हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, Ni भी +2 में था, वहां पे NS, बस वहां पे CN था, यहाँ पे NH3 है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्या होनी चाहिए थी, स्क्वायर प्लानर होनी चाहिए थी ना, मतलब आपके हिसाब से अगर अपन देखें ऐसे तो, ठीक है। NiNH3 4 है, वहां पे NiCN का 4 था, वहां पे भी +2 में आ रहा था, यहाँ पे +2 में आ रहा है, वहां पे -2 था लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 में थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो Ni+2, अभी मैं आपको कंसर्ट में समझा रहा, CFT में बताऊंगा ये चीज क्यों हो रही है, अभी फिर आप देख लोगे तो चलो फिर धीरे धीरे बताई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Ni+2 में क्या हो गया, वही 3D8 में चला गया, 4S2 वाले छोड़ देगा और S0 4B0 4D0। अब देखो यहाँ पे जो 3D मेटल होती है ना, यहाँ पे क्या करता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, NS3 हालांकि स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होता, वापस इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसमें पेयरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये हाई स्पिन की तरह बिहेवियर करता है, वो आगे आप समझोगे, अभी आप बस थोड़ा सा नोट कर लो कि हाई स्पिन की तरह बिहेवियर करता है और ये यहाँ पे आगे नहीं जाते। तो अब देखो, अब अगर NS3 आएगा, जब NS3 आएगा ना, तो ये वाला हुआ नहीं, मतलब यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो ये ऑर्बिटल पार्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो पार्ट कौन करेगा, sp और 3, मतलब एक पी में 3 होता है और डी में 5 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, ठीक है। तो 4 NS3 चलेगा, तो क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे sp3 आ गया, और sp3 की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडल, मतलब इसको चतुष्फलकी भी बोलते हैं, और इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल होती है, क्लियर। अगर वहीं देखो, अगर CuNH3 का होल 4+2 आ गया, Ni की जगह अगर मैंने Cu डाल दिया, ठीक है, तब इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये इन चीज को समझा नहीं पाया था, ठीक है। इसका एवरेशन आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं आपको पीडीएम में दे दूंगा कि इन सब की स्ट्रक्चर ये समझा नहीं पाया था। अपन अब डायरेक्ट आएंगे CFT पे कि CFT ने कैसे कैसे इनको समझाया था, क्या क्या बताया था CFT ने, तो वो चीज ज्यादा मेन है। अब आता है अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे मेन टॉपिक है आपका पूरे चैप्टर की नींव है, ठीक है। अब इसका मैं देखो आपको बेसिक समझा रहा हूं, बिल्कुल जो ये थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको एक डायग्राम में समझा दूंगा आपको, एक आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है। उस चीज को आप अच्छे से समझो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, CFT क्या बोल रही है अपन को, क्लियर, ठीक है। अब देखो आपका CFT क्या बोलती है अपन को, वो देखो आप, वही लिगेंड आएगा, लोन पे लेके अपना मेटल को उसको देना है। अब यहां पे पहले मेटल को समझो, अब देखो मेटल के पास क्या होते हैं, आपके पास पता है मेटल के पास क्या है, डी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल होता है डी के। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो आप, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके पास, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये कहानी है जब लिगेंड नहीं आ रहा, ठीक है, जब कोई लिगेंड नहीं आ रहा, ठीक है, ओनली क्या है, मेटल प्रेजेंट थी, तब ये कहानी ये थी। अब देखो लिगेंड आया, लिगेंड ने क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब मेटल के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी जो होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना, जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या करेगा, जो 5D ऑर्बिटल थे ना, 5D ऑर्बिटल, इनको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा,
स्प्लिट कर देगा, ठीक है। मतलब तीन ऑर्बिटल की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तीन ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो जाएगी, और दो ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी वो देखो मैं अभी आके बताऊंगा आपको। क्या होता है जब लिगेंड आता है, इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, मेटल के ऊपर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ गई तो स्थायित्व कम हो जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा तो क्या कर देगा ये डी इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर देगा, विपार्जित कर देगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है। अब देखो जब इसने क्या कर दिया, डी इलेक्ट्रॉन मतलब इनको डी ऑर्बिटल को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया ना, तो एनर्जी निकलेगी अपनी, ठीक है। एक एनर्जी क्या होगी, लूज करेगा, ये जो एनर्जी लूज करेगा उसको बोलते हैं अपन सीएफएसई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है आपको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। ये जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा क्या करेंगे ये एनर्जी छोड़ेंगे, वो उतने ज्यादा ही क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, मतलब यहां पे अपने आपको एक वही जिससे मैं आपको वीबीटी में बताया था ना कि अपने आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं यहां पे, जहां पे जाके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन कम हो जाता है और स्टेबल हो जाते हैं जाके वहां पे, ठीक है। सीएफएसी छोड़ दिया उन्होंने, एनर्जी छोड़ दी, अब उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो अपने आपको एक ज्यामिति में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो ज्यामिति होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, सीएफएसी पे डिपेंड करती है कि उसकी ज्यामिति क्या होगी। आ रहा है कुछ पिक्चर बनी थोड़ी सी, देखो आगे। और यहां देखो आप, अभी देखो मेटल क्या था, नॉर्मल है, अभी ऐसे ही प्रेजेंट है, तो इसके पास क्या है, डी इलेक्ट्रॉन है, पांच पांच डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको बोलते हैं समरक्ष कक्षक, ठीक है। अभी डी कक्षक की ऊर्जा क्या है, बराबर है, हर किसी की क्या है, बराबर। अब देखो लिगेंड आ रहा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, ठीक है। मतलब क्या हुई, धातु की ऊर्जा बढ़ गई, स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, यहां से आएगा डी इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आया ना इसके पास, तब डी ऑर्बिटल पे क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो ये होगा अपने कक्षकों का, डी कक्षकों का होगा विपाटित होना, ठीक है। और ये करता है ज्यामिति पर निर्भर करता है इसकी, कि इनकी उस टाइम पे ज्यामिति क्या थी, ठीक है, जब लिगेंड आए। अब ज्यामिति में भी क्यों टूट रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा, कैसे कैसे क्यों टूट रहे हैं ये चीजें, और मतलब तीन एनर्जी ऑर्बिटल ऊपर क्यों गए, दो नीचे ही क्यों आए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, डी ऑर्बिटल क्या होंगे, हाई इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, मतलब ऊर्जा उच्च ऊर्जा, ऊर्जा स्तर ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये होगा निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। और क्या होगा, कुछ क्या होंगे, जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको बोलते हैं अपन सीएफएसी, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिसे क्या बोलते हैं अपन सीएफएसी बोलते हैं, क्लियर है आपको। अब देखो एक कंसेप्ट समझो आपका, उससे पहले आप देखो कि डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना वो कैसे होती है वो देखो आप, जो मैंने आपको पांच डी ऑर्बिटल बताया ना उनकी देखो शेप कैसी होती है, डी एक्स वाई की ऐसी होती है, ठीक है, एक्स वाई रीजन में होते हैं, डी वाई एक्स की ऐसी होती है और डी जेड एक्स की ऐसी होती है, ठीक है। अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मतलब देखो क्या है, देखो वाई पर और एक्स पर, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर की कौन सी है, ये ओनली जेड ऑर्बिटल पे, ऐसे क्लियर। इनकी देखो ये क्या है, अक्ष पर है, अक्ष पर है, ये भी देखो क्या है, अक्ष पर है, ठीक है, और ये क्या अक्षों के बीच में, अक्षों के बीच में, इतना क्लियर रखना, फिर आगे आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। अब देखो जो ये विपाटित होते हैं ना, पांच पांच डी ऑर्बिटल हैं इसके पास, ये जो विपाटित होते हैं ये क्या होते, दो तो ऊपर चल जाते हैं, दो ऑर्बिटल तो ऊपर चल जाते हैं और तीन नीचे चल जाते हैं, मतलब दो की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और तीन की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों होता है, दो ऑर्बिटल कौन कौन से जाते हैं ऊपर, देखो जो दो ऑर्बिटल जाते हैं ना वो जाते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है ना, ये क्या है, ऑर्बिटल पर प्रेजेंट है, देखो मतलब अक्षों पर प्रेजेंट है, ये अक्षों पर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, जब रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है ना तो इनका क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो तो चल जाते उच्च ऊर्जा स्तर में, और जो नीचे तीन आ जाता है ना तीन, ठीक है, डी एक्स वाई वाई जेड, ये क्या होता है, अक्षों के बीच में होते हैं, जब ये अक्षों के बीच में होते हैं ना तो इनकी क्या होती थी, एनर्जी कम, ठीक है। तो ये चीज ने लिख रखी है, असममित कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है व असममित कक्षों की ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। अक्षों के मध्य डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, मतलब अक्षों के मध्य वालों की तो घट जाती है और अक्षों के जो ऊपर होते हैं वो उनकी बढ़ जाती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होते हैं अक्षों पर स्थित होते हैं, इसलिए क्या होती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एक ही डायग्राम में मैं आपको पूरा समझा दूंगा क्या क्या हो रहा है उनके पास, ठीक है। अब देखो पूरा एक तरफ मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला पूरा इसको समझ लो, पूरा एक ही बार में पूरा आपको सीएफटी समझ आ जाएगी पूरी,
ठीक है। अभी देखो आपको ग्राउंड स्टेट पे डी के 5 ऑर्बिटल दे, ठीक है, कौन कौन से, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं, अक्षों पर होते हैं, ये अक्षों के मध्य में होते हैं, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में गया। अब देखो क्या होगा, जब लिगेंड आएगा इसके पास, ये अभी नॉर्मल मेटल था, अब जब इसके पास लिगेंड आएगा तो क्या करेगा ये, अभी देखो इसको समझो, ऑक्टाहेड्रल को समझो, टेट्राहेड्रल को भी बताऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पे जब ये ऑक्टाहेड्रल की उपस्थिति में था, इसने क्या किया, अपने आपको ऑक्टाहेड्रल की रेंज में इसने व्यवस्थित कर लिया अपने आपको, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो क्या होगा कि ये जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है ना, ये क्या चलेंगे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अक्षों के मध्य में, तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, जब मान लो लिगेंड आ रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो मेटल के ऑर्बिटल ऐसे थे, अक्षों पे थे, तो लिगेंड क्या आ रहा है, अक्षों की तरफ से आ रहा है, तो इनके इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा। अगर इनके बीच में रिपल्शन होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होंगे, ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं ईजी, इनको बोलते हैं ईजी सेट, ठीक है, ये तो चल जाते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये चल जाते हैं नीचे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, क्योंकि एनर्जी इनकी कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्लियर है। अब देखो इनके ये होता है बेरी, बेरी सेंटर बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। अब देखो इसके जो जितना ऊपर ये गया, जितना ये नीचे गया, इनके बीच के गैप को बोलते हैं अपन डेल नॉट, ये होता है ऑक्टाहेड्रल सीएफएसी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की। अब देखो इनके बीच में, देखो बेरी सेंटर से इनके बीच में कितना गैप रहता है, इनके बीच में कितना गैप रहता है, देखो अपन को क्या करना है, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, कि इसका होता है माइनस का 0.4 एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि अपन को जीरो लेके आना है, तीन ऑर्बिटल है, तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, माइनस का 1.2, और यहां पे दो ऑर्बिटल है, अगर इसको 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस का 1/2, तो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 क्या आएगा, जीरो, ठीक। तो ये होता है माइनस का 0.4 में, और ये होता है 0.6 में स्प्लिट होता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, EG सेट, T2G सेट, EG सेट, और ये होती है ऑक्टाहेड्रल, जब अष्टफल की अपनी संरचना है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में D ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ऐसा आता है कि डायग्राम बनाओ, तो इस ये आपको बनाना है, क्लियर है। अब देखो ये चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, बस अपन को स्क्वायर पहले समझ लेना था, इसलिए उससे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको टेट्राहेड्रल पे नहीं आ रहा हूं, अभी बाद में आएंगे अपन टेट्राहेड्रल पे, चलो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्दर क्या होती है, जब टेट्रागोनल आता है ना, तो वाई जेड वालों की जो जिस साइड से आता है लिगेंड, जिस साइड से आ रहा होता है, उसमें क्या होता है, जो एक्स वाई की होती है ना, उसकी तो एनर्जी बढ़ती है, और जेड वालों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई था और डी जेड स्क्वायर था, ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाले क्या होते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, तो देखो डी एक्स वाई स्क्वायर की तो बढ़ जाती है और डी जेड स्क्वायर की कम हो जाती है, इसमें देखो डी एक्स वाई की बढ़ जाएगी और डी वाई जेड डी जेड एक्स जो भी है इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनेट जो अपन स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, वो केस क्यों हो रहा है, उसमें क्या होता है, ये फर्दर नीचे जाते हैं, मतलब इनकी और कम हो जाती है, वाई जेड वालों की और कम हो जाती है, जेड वाले जहां भी जेड आ रहे हैं उनकी कम हो जाती है, तो डी एक्स वाई तो क्या करता है, इससे भी ज्यादा होती है, डी जेड स्क्वायर से भी ज्यादा हो जाती है, मन ठीक है, डी एक्स वाई यहाँ चल जाता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है। इस टाइप से इनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ये फर्दर आगे इनका मैं बता दूं, ये भी बेरी सेंटर हो गया इसका, कितने में टूट रहा है, ये आपका काम की चीनी है, ठीक है, जितना आपके लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल पे आ जाओ, टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे दो इजी सेट आते हैं, जो अक्षों वाले होते हैं, टेट्राहेड्रल ऐसी शेप होती है, जो अक्षों वाले आते हैं ना, अक्षों पे जो होते हैं उनके बीच में रिपल्शन कम होता है, और जो अक्षों के बीच में होते हैं उन पर रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टी टू सेट, जी नहीं लगाते, यहाँ पे देखो ईजी, यहाँ पे टी टू जी है, यहाँ पे ओनली ई सेट और टी टू सेट, इसका जस्ट रिवर्स होता है, मतलब दो जो ऑर्बिटल है उसके नीचे आते हैं और तीन ऑर्बिटल के जाते हैं ऊपर जाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल बोलते हैं उसको, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी ऑक्टाहेड्रल की ये स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लेनेट की ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे सीएफएसी सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग किसके बीच में हुई, ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो गैप किनका है, इसका, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक की जो स्प्लिटिंग होगी ना, इसको बोलेंगे अपन डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यहां से यहां तक की टेट्रागोनल, और इसकी यहां से यहां तक की डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसकी डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल, इसकी सबसे कम होती है स्प्लिटिंग, इनकी सबसे सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर की, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँ सीएफएसी का ऑर्डर क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर, टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये इसका ऑर्डर रहेगा। अगर मैं पूछूं कि आपको ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो कौन सा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर में, और फिर कौन सा, एक्स वाई, फिर जेड स्क्वायर, फिर इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम आ गई। अगर मैं बोलूं यही चीज की टेट्रागोनल की होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स वाई, फिर डी वाई जेड डी जेड जेड एक्स, ठीक है। और वहीं मैं बोलूं कि ऑक्टाहेड्रल की क्या होगी,
तो इन सब की सेम होगी, मतलब पहले इन दो की एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर ये तीनों आएंगे बराबर में, इन दोनों की बराबर, इन तीनों की बराबर, ठीक है, ये ऑर्डर रहता है मतलब, क्लियर है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप, एक दो बार और वीडियो देख लेना, थ्योरी पढ़ लेना आपको, ठीक है, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये आपको कंसेप्चुअल सीखनी पड़ेगी तभी आएगा, आपको प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार तभी ही आएगा ये, ऐसा नहीं कि मैं आप एग्जाम से दो दिन पहले पढ़ के इसको रट के चल जाओगे, वहां जाके भूल ही जाओगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करके आओगे, ठीक है, बस कंसेप्ट चलते चलो, सीएफडी क्या बोल रही है, लिगेंड आ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, लोअर ऊर्जा में जा रहे हैं, कुछ अपर ऊर्जा में जा रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं, वो चीज बस ये डायग्राम देख लेना, आपको सीधा समझ आ जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, नेक्स्ट अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे इसके बाद पढ़ेंगे अपन की सीएफएसी कैसे निकालते हैं वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन, ठीक है, धन्यवाद।